रतनपुर बोली गोटे छोट गाँव में किशोर नामक जड़े गरीब पिलाटीए निजर बुढ़ी माँ सहित रोला से गाँव सरपंच पाखे कम करूला से गाँव सरपंच बहुत निष्ठुर से सबुब किशोर दारिद्र्यतार फायदा उठाऊला आउ बहुत कम पाउना देउथला। गोटे दिन पुअरे तू सहर को जाकि कहीं कम दम करुन माँ मु ते छाड़ी सहर केमी जापरि आम दिज तो परस्पर सहारा जदि मुहर को चले जी ताहले तो देखाशुना किए कर देख पु तू बाहा किंतु माँ मो भली गरीब पिला को किए बाहा हबो तो पाई भी किए ना किए थिबो देखिबू तत्ते दिने ना दिने गोटे भल झीटे मिलिबो जे कि आम जीवन रे खुशी भरी दबो ए सब कथाबार्ता हे कि दि जण सोई पड़िले किशोर घरठारु अल्प किछि दूर रे रमा नामक गोटे झियो निजरो दादा खुडी को सहित रहुथला रमार बापा माकर मृत्यु तार पिलाटी बेलुरु होई सारिथिला रमार दादा खुडी ताकु बहुत दुख देउथिले ता द्वारा से माने घरर सब काम करउथिले आउ ताकु पेट भरा भोजन मध्ये देउ नथिले गोटि दिन एमिति दुखी होई कि बापा मां तमे दि जण मते एकुटे छेडी कि काहे कि चली गलो एमिति चिंता करी कि रमा सोई पड़िला ता पर दिन दीपहर समय होईथिला रमा गा मुंडरे थिबा कुआ मूळरे बसी कि कांदुथिला सेते बेले से बाट दे किशोर निजर काम शेष करी जाउथिला रमा को एमिति कांदुथुबार देखि कि किशोर ता पाख को गला आउ ताकु पचारिला अरे तमे से रमाना जी कि आम घर ठारु किछि दूर रे निजर दादा खुडी को सहित रहउछ एहा सुनि कि रमार आखिरे लुह आसी गला आउ से किशोर को सब कथा कहिला ता कथा सुनि कि किशोर बहुत दुखित होइ गला रमा तमे जमारु बे चिंता करनी सब किछि ठीक हे जिवो आउ एमिति कहि कि किशोर सेठारु चली गला आउ एमिति एबे दुई जण सबु दिन भेट हबा को लागिले आउ शेषरे दुई जण बाहा होइ पड़िले दुई जण बाहा होई जाइथिबा खबर सुनिकि रमार दादा खुडी बहुत रागी गले सेपटे रमा निजर बाहाघरर प्रथम दिन रुहि मोदक कचोड़ी तयारी करी निजर सासु आउ स्वामी पाई नेई गला से सबकु देखिकि अरे रमा तमे ए सब कोन बनेइछ एगुडेको मोदक कचोड़ी मो हाथ तयारी मोदक कचोड़ी बहुत स्वादिष्ट होइथे एमिति समस्ते कहंती एबे मापु दुई जण मोदक कचोड़ीर आनंद उठेइले से माने से मोदक कचोड़ी तारीफ करिवारु जमारु भी बंद हेलेनी अरे रमा तमे कोन आउ मोदक कचोड़ी तयारी करिछ आज मो खाइबा पे केवल मोदक कचोड़ी ही बनेइबो हाउ मु एबे नै यसुजी रमा एबे निज भागरे थिबा दुईटी मोदक कचोड़ी को गोटिए डबारे भर्ती करि देला किशोर निज कामरे जाय पहुंची गला सेठारे पहुंची से जानिबा को पाइला जे रमार दादा खुडी को अभिजोग क्रमे सरपंच ताकु कामरु बाहर करि देइछन्ती सेथिरे दुखित होई किशोर गोटिए गछ मूलरे बसी कांदु थिला सेतेबेले सेठारे जणे बाबा आसी पहुंची गले से बाबा कहिले पुओ मते बहुत जोरे भोक करूची तमे कोन मते किछि खाइबा को देई पारिबो मो पाखरे केवल एई दुईटी मोदक कचोडी बळी पडिची आपण ताकु खाइ नियंतु पुओ ई तो बहुत स्वादिष्ट अटे मु या पूर्वरु एमितिका किछि भी खाइ नथिली हां ए सबकु मो स्त्री बनेची तापरे बाबा किशोर को तार दुखित थिबार कारण पचारिले आउ किशोर मध्य बाबा को सब कथा कहिला ता कथा सुनिकि बाबा किशोर हातरे गोटिए मोदक कचोड़ी रखि देले ताकु देखिकि बाबा आपण तो दुईटा जाक मोदक कचोड़ी खाई देइथिले ताहाले एटा कोठु आसिला तमे से विषयरे अधिक किछि चिंता करो नाही तमे ए मोदक कचोड़ी को निज हातरे धरिकि जेतिकि भी मोदक कचोड़ी मागिबो तम पाखरे सेतिकि हाजर होइजिबो एमिति कहिकि बाबा सेठारु गायब होइ गले किशोर ए सब किछि भी बुझी पारु नथिला एमिति सब कोन घटी गला तापरे किशोर निज घर को चली गला आउ से चाकिरिरु बाहर हे जायथिबा निज मा आउ स्त्री को कहिला ए सब सुनिकि ए सब मोरी पई हेला ना तमे जदि मते बहाई नथन त ताहले तम सहित एमिति घटी नथन त एथिरे तमर कोन दोष दुई जण एमिति कथाबार्ता होउथिले सेतेबेले किशोर रो मार नजर किशोर हातर रे थिबा मोदक कचड़ी उपरे पड़िला पुअरे तो मोदक कचोड़ी काहें की खाइनो एति की छुणीबा मात्रे किशोर रो बाबा को कथा मने पड़ी गला आउ तापरे से दुई जण को सब कथा कहिला ए सब सुनिबा परे कोन सतरे एमिति सब घटी परे सेते बेले किशोर निज हातरे धरथिबा मोदक कचोड़ी को कोड़ीटी मोदक कचोड़ी मागिला आउ ता सामना रे कोड़ीटी मोदक कचोड़ी प्रस्तुत होई गला ए सब देखि कि तीन जण जाक आश्चर्य होई गले ए सब तोर सचोट आ भलो कामर परिणाम एबे तीन जण जाक खुशी रे मोदक कचोड़ी खाई कि सोई पड़िले।
ତାପର ଦିନ ସକାଳୁ କିଶୋର ମୋଦକ କଚୋଡ଼ିକୁ 500 ମୋଦକ କଚୋଡ଼ି ମାଗିଲା। ଏସବୁ ଦେଖିକି ତମେ ଏତେ ସାରା ମୋଦକ କଚୋଡ଼ିକୁ ନେଇକି କ'ଣ କରିବ? ମୁଁ ଏସବୁକୁ ବଜାରକୁ ଯାଇକି ବିକ୍ରି କରିବି। ଏତିକି କହିକି କିଶୋର ମୋଦକ କଚୋଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ବଜାରରେ ମୋଦକ କଚୋଡ଼ିର ନାଁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଲା, ଆଉ ତାର ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କିଶୋର ବହୁତ ଧନୀ ଲୋକ ହୋଇଗଲା। ଏସବୁକୁ ଦେଖିକି ରମାର ଦାଦା ଖୁଡ଼ିକୁ ଈର୍ଷା ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦୁଇଜଣ ରମା ଘରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ନଜର ରଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ସବୁଦିନ ପରି କିଶୋର ମୋଦକ କଚୋଡ଼ିକୁ ବହୁତ ସାରା ମୋଦକ କଚୋଡ଼ି ମାଗୁଥିଲା। ଏସବୁକୁ ଦେଖିକି ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଏମିତିକା କଥା, ତାହେଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ଧନୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଏଇ ଯାଦୁଇ ମୋଦକ କଚୋଡ଼ିର କମାଲ। ଆମକୁ ଯେମିତି ସେମିତି ହଉ ଏଇ ଯାଦୁଇ ମୋଦକ କଚୋଡ଼ିକୁ ଚୋରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହାପରେ ଦୁଇଜଣ ଯାକ କିଶୋରକୁ ମୋଦକ କଚୋଡ଼ି ରଖୁଥିବାର ଦେଖିନେଲେ। କିଶୋର ସେଠାରୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଦୁଇଜଣ ଯାକ କ୍ଷମା ମାଗିବାର ବାହାନା କରିକି ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ, ଆଉ ସେ ଯାଦୁଇ ମୋଦକ କଚୋଡ଼ିକୁ ଚୋରେଇ ନେଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ତ ଏଇ ଯାଦୁଇ ମୋଦକ କଚୋଡ଼ିକୁ ବହୁତ ସାରା ସୁନା ଓ ହୀରା ମାଗିବି। କିନ୍ତୁ କିଶୋର ତ ଏ ମୋଦକ କଚୋଡ଼ିକୁ କେବଳ ମୋଦକ କଚୋଡ଼ି ହିଁ ମାଗୁଥିଲା। ଆରେ ସେଇଟା ତ ପାଗଳଟା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଗଳ ନୁହେଁ। ଏବେ ରମାର ଖୁଡ଼ି ମୋଦକ କଚୋଡ଼ିକୁ ହାତରେ ଧରିକି ବହୁତ ସାରା ସୁନା ଆଉ ହୀରା ମାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏହା ଦେଖିକି ରମା ସେ ମୋଦକ କଚୋଡ଼ିକୁ ରାଗିଯାଇ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଜୋରରେ ପବନ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ରମାର ଖୁଡ଼ି ପବନରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଏମିତି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ସିଧା ରମାର ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତାକୁ ଏମିତିକା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ଖୁଡ଼ି ତମର ଇଏ କ'ଣ ହେଲା? କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରମାର ଖୁଡ଼ି ସବୁ କଥା କହିଲା, ଆଉ ସେ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଯାଦୁଇ ମୋଦକ କଚୋଡ଼ିକୁ ଫେରେଇ ଦେଲା। ଆଉ କ୍ଷମା ମାଗିକି ସେମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ତାପରେ ରମା ଆଉ କିଶୋର ସେ ଯାଦୁଇ ମୋଦକ କଚୋଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ଧନୀ ପାଲଟିଗଲେ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ଭୁଲୁନଥିଲେ।